चलिए सर उतर जाइए, अब कोई खतरा नहीं है। अरे सर आप चिंता मत करिए, अभी गाड़ी से मत उतरिएगा, यहाँ कुछ गुंडे घूम रहे हैं। और आप चिंता मत करिए, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा, चाहे मेरे को अपनी जान की ना देनी पड़ जाए। बैठे नहीं सर अंदर। सर रास्ता साफ है, आ जाइए बाहर। सर सर अरे यार इतनी मुश्किल से एक जॉब लगी थी, मुझे तो लगता है मैं बेरोजगारी मरूंगी, दसवीं में भी फेल हो गई, पढ़ लिख लेती तो कोई अच्छी नौकरी लग जाती मेरी, अब क्या करूंगी मैं बिना पैसों के, हे भगवान। अभी अभी सूत्रों से खबर मिली है कि शहर में चोर घूम रहे हैं, घर में घुस के घर की जरूरी चीजें लूट लेते हैं, बच्चों के डायपर चुरा लेते हैं, रसोई से बर्तन चुरा लेते हैं, महिलाओं की चोटियां काट देते हैं, और तो और आदमियों के कच्छे उड़ा ले जाते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने घर के घरेलू और कीमती सामान का ध्यान रखें और सतर्क रहें, वरना अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाय एजी, मुझे तो ये देख के डिस्प्रेशन हो रहा है। ये ऊट पटांग की न्यूज देखोगी तो डिस्प्रेशन ही होगा ना, और पहली बात उसे डिस्प्रेशन नहीं डिप्रेशन कहते हैं। ये देखो ना, ये सबके डायपर चोरी करके लेके जा रहे हैं। अरे तो चुराने दो डायपर, हम घर पे डायपर बना लेंगे पुराने कपड़ों से। और जो ये सारे बर्तन चोरी करके लेके जा रहे हैं, मेरे मायके के बर्तन है, एक भी बर्तन गया ना तो तुम देखना। सारे बर्तनों को कल के कल ही बैंक के लॉकर में जमा करवाऊंगा भगवान, तू चिंता मत कर। और जो ये बाल चुरा के लेके जा रहे हैं, मैंने तुमने बाल इतने मुश्किल से बढ़ाए हैं। चुरा लेंगे तो अच्छा होगा तेरे बाल, वैसे भी तेरे बाल कल है ना सब्जी में आ गए थे, बहुत बड़े कर लिए हैं। तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, और जब तुम्हारे फटे पुराने कच्छे लेके जाएंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छे मुझे धोने भी नहीं पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े छेद है उसमें। क्या कच्छे भी चुरा रहे हैं ये? यार कल ही तो दो नए कच्छे खरीदे हैं और उनमें तो अभी तक छेद भी नहीं हुआ है, वो अगर चोरी हो गए तो मैं नुकसान नहीं झेल पाऊंगा। पर भगवान हम करेंगे क्या? हम एक काम करते हैं, बॉडीगार्ड रख लेते हैं। बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड लाखों लाखों के आते हैं, पूरा घर बिक जाएगा मेरा। तुम्हें लाखों की परवाह या मेरे करोड़ों के बाल की? ऑफ कोर्स लाखों की। क्या मेरा मतलब आपके करोड़ों के बालों की? अगर तुमने बॉडीगार्ड नहीं रखा ना तो अगले हफ्ते जो मैं मायके जाने वाली थी ना मैं कैंसिल कर दूंगी। क्या? अरे नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने तो अगले हफ्ते पार्टी का प्लान बना रखा है दोस्तों के साथ घर में। पर मैं करूँ क्या? मेरे पास एक आइडिया है, ये रही साइट जिसपे सब मिलता है, बर्तन धोने वाली, काम वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, ड्राइवर, नया बीवी, नए पति, सब। ये तो सही है यार। और इधर ही हमें मिलेगा हमारा बॉडीगार्ड। ये तो कैसा कांचलस है, इसके ऊपर तो मैं बैठ गई ना सारी हड्डियां टूट जाएंगी। बॉडी तो है नहीं, पता नहीं क्या गार्ड करेगा ये। ये देखो यार बहुत मोटा है। ये सही है, बजट फ्रेंडली भी है, सस्ता और टिकाऊ। इसे ऑर्डर करते हैं। बॉडीगार्ड नहीं, बाउंसर, लेडी बाउंसर। लेकिन हमने तो ये ऑर्डर किया था। हाँ मैम वो मैं ही हूँ। इसमें तो बाल इतने छोटे हैं, लड़कों जैसी लग रही हो। वो एक्चुअली बहुत पुरानी फोटो है ना, तब मैं छोटी हुआ करती थी और अब मैं जवान हो चुकी हूँ, और मेरे बाल भी। बाल बांधो अपने, तुम ऐसे कोई काम पे आते हैं? सॉरी मैम मैं अपने बाल नहीं बांध सकती हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मैंने कल ही स्मूथिंग करवाई ना, और अगर मैंने अपने बाल बांध लिए तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, तो मैं अपने बाल नहीं बांध सकती। हमें नहीं चाहिए कोई बाउंसर, बाउंसर जाओ तुम। अरे क्या बोल रही हो, हमें चाहिए बाउंसर, कितनी सारी चोरी बढ़ गई है और हमारे घर में कितना सारा सामान है चोरी होने को, मेरे कच्छे, बच्चों के डायपर्स, आपके कीमती बाल और आपके कीमती बर्तन। हमें लेडी बाउंसर की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई बात नहीं, हम कोई मेल बाउंसर मंगवा लेंगे, तुम जाओ।
पागल हो क्या? मेल बाउंसर कितने महंगे थे, लाखों के, जरा सोचो। और वैसे भी हमारे घर में तो छोटी छोटी बेटियां हैं, और आजकल बेटियां कितनी अनसेफ है यार, फीमेल बाउंसर उनके लिए बेस्ट है। कह तो तुम सही रहे हो, पर तुम तो इतनी पतली दुबली से हो, हमारी क्या प्रोटेक्शन करोगी? मैम मैं दिखने में जरूर पतली दुबली हूँ, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी दूंगी। और तो और सर, मुझे कुंग फू भी आता है, ये देखिए। मैम वो तो लगती रहती है थोड़ी बहुत तो, पर प्रोटेक्शन पूरी दूंगी मैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आ जा अंदर। सबको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला रूल है कि कल से सबको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अरे देवा, नक्को मैम साहब नक्को, मैं नहीं उठेगी सुबह 4 बजे, उठ के क्या सत्संग कराएगी? रूल नंबर 2, कोई भी मेरे बीच में नहीं बोलेगा, जब भी मैं बात कर रही होंगी किसी की जुबान नहीं चलनी चाहिए। 4 बजे इतनी सुबह कौन उठेगा? क्या आइटम है? नहीं नहीं नहीं, 4 बजे उठना बिल्कुल सही है, क्या होगा ना इससे हमारी लाइफस्टाइल भी हेल्दी रहेगी। एक काम करूंगी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी चली जाऊंगी, वेट लॉस भी तो करना है। तो ठीक है, रूल नंबर 1 हम सबको मंजूर है, आप इन बच्चों को जरूर उठाना 4 बजे, ये बड़े शैतान है। हम बड़े हैं, हम तो उठ जाएंगे अपने आप, इन बच्चों को जबरदस्ती करके चाहे पानी डालना पड़े इन पे, जरूर उठाना 4 बजे। ठीक है, तो हम कल सुबह से ही शुरू करेंगे, अब आप लोग जा सकते हो। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सब लोग उठ जाएं। गुड गुड गुड, बड़े समझदार बच्चे। मैम सर बच्चे उठ गए, आप लोग भी अब उठ जाएं। हाँ ठीक है, आधे घंटे में आ रहे हैं। देखिए मैम, कोई आधा घंटा नहीं, कोई 5 मिनट नहीं, मैं अपने रूल्स की पूरी पक्की हूँ। अभी उठना है तो मतलब अभी उठना है, पूरे 4 बज चुके हैं, तो आप प्लीज उठ जाएं। अरे जाओ यार, सोने दो ना, तंग मत करो। मैम सर मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज उठ जाइए, आप प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े जिससे आप ना खुश होए। प्लीज जाओ। मैम मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, प्लीज उठ जाए। पागल हो क्या? जल्दी आइए। हाँ हाँ आ रहे हैं। शांता ताई उठ जाइए। आइटम मेरे को काहे को उठाती तू? उठाना साहिब और मेम साहिब को, तुमको ज्यादा जरूरत है, देखो मैं कितनी फिट फाट है। देखिए शांता ताई, हमें मैडम सर और उनके बच्चियों की सुरक्षा के लिए आपकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप जल्दी से उठ जाइए और हमारे साथ योग कीजिए। ए तो चुप रहे, जाना। शांता ताई प्लीज उठ जाइए। उठिए। चलिए अब उठ जाइए आराम से। देवा किसको भेज दिया रे तूने? आइए मेरे साथ। तो चलिए
आज मैं आपको योगा करवाऊंगी और मैं आपको कुछ ऐसा योग कराऊंगी जिससे आपका तन बदन झूम उठेगा। तो चलिए, पहला योग है सिरासन, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपका सर नीचे और कमर ऊपर रहेगी, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसी तरह से अच्छे से करना है, देखिएगा। हाँ चलिए करिए करिए। गुड गुड गुड। अरे वाह, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। कीप इट अप, बड़े समझदार बच्चे इस घर के। चल वाह बच्चे वाह, छोटी वाली भी कमाल है, थोड़ी सी कमर ऊपर। हाँ गुड। अरे मैडम ये कौन सा योग कर रही हैं आप, उठाइए कूल है, ऊपर उठाइए थोड़े और ऊपर। हाँ अब ठीक है, करिए करिए। हे भगवान, सर क्या कर रहे हैं सर आप, योगा कीजिए योगा, सो रहे हैं। सारे के सारे आलसी हैं। चलिए दूसरा योग कराते हैं, अब हम दूसरा आसन बताएंगे। मैन योर ऑर्डर। वो सर मैम क्या है ना, चेक भी तो करना पड़ेगा ना पिज्जा, क्या पता कुछ अनसेफ हो इसमें, है ना। बिल अभी चेक कर लेती हूँ सर, मेरे होते हुए आपको किसी चीज का खतरा नहीं है। सर मैम ये पिज्जा बिल्कुल सेफ है, आप सब मिलके इसे खा सकते हैं, लीजिए 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 लीजिए। पहले मैं जाऊंगी। अरे अरे बच्चों लड़ क्यों रहे हो तुम, पोटी जाना है ना तुम्हें, ऐसे नहीं जाना, अंदर खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा बॉम्ब हो सकता है और तो और अंदर चूहिया भी है। हाँ हाँ झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं, काम करती हूँ पहले मैं जाती हूँ, तुम दोनों यहीं वेट करो ठीक है, जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं रहना ओके। छी छी, आय हाय ये बदबू कैसे आ रही है, तुम दोनों ने कपड़ों में ही पॉटी कर दी, छी कितने गंदे बच्चे। क्या हुआ बच्चों, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और ये बदबू किस चीज की आ रही है। मम्मी हमने कपड़ों में ही पॉटी कर दी। पॉटी कर दी लेकिन क्यों। दीदी अंदर गई थी, बहुत लेट आई थी इसलिए हमने पॉटी कर दी। मैं बताती हूँ,
अरे वाह, मेरे को तो प्यास लग रही है, पानी कौन लाएगा मेरे लिए? या तो सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है, साहिब का भी काम करूं, मेम साहिब का भी काम करूं, बच्चे लोग का भी काम करूं, ये मेरे को कोई पानी भी नहीं दे सकता है, लाना ही पड़ेगा मेरे को। अब खाएगी मैं सेन से बैठ के। ये देवा। अरे अरे शांता ताई रुको, अरे शांता ताई पानी का भी तो टेस्ट करना जरूरी है ना, क्या पता कि इसके अंदर जहर हो, है ना, इसलिए मैं चेक कर ली। पानी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ है, अब तुम पी सकती हो, पकड़ो मैं चलती। ए तू तो कुछ भी नहीं छोड़ी मेरे लिए, ए देवा उठा ले रे इसको, नहीं तो मेरे को उठा ले तू। सर मैम आप ऐसे एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ आप दोनों को। मैम सर बाहर जाते हैं, क्या पता के सर को कोई बीमारी हो, ठीक कह रही ना मैं? सर आप सोचिए मैम साहब घर में रहती है, क्या पता के मैम साहब को कोई बीमारी हो सकता है ना, हो सकता है ना, सही कह रही ना मैं? बस इसलिए मैं तुम दोनों की सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ, ऐसे एक दूसरे के पास मत आइए। मैम साहब पहले मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, कि सर को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर सर को कोई भी बीमारी हुई तो पहले मेरे को लगेगी, ठीक है सर? ए हमें नहीं चाहिए कोई बाउंसर, बाउंसर जा तू। देखिए मैम मैंने आपसे पूरे महीने के पैसे लिए हुए लिए है ना सर, तो मैं आधे महीने में कैसे चली जाऊंगी वापिस? बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी पूरी जॉब पूरी ईमानदारी से करके तभी जाऊंगी। ठीक है बाहर जाके बच्चों को देख, चल जा जा। निकल ले इससे पहले कि अरे मैम कहाँ जा रही हो मुझे लटका के? अरे मैम मुझे नौकरी से मत निकालो। हे भगवान इतनी मुश्किल से दूसरी नौकरी मिली थी, अब क्या करूं? अरे कोई उतारो।